कुरान वाकई मस्जिद के सर्वे के दौरान कुएं के अंदर से शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ज्ञान वाकई मस्जिद का सर्वे आज तीसरे दिन समाप्त हो गया। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का दावा है कुएं के अंदर से शिवलिंग मिला है। उन्होंने बताया कि वो शिवलिंग कपटाक्षण लेने से बिलकोट जा रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज सर्वे की टीम ने नंदी के सामने कुएं का सर्वे किया। यहाँ वाटर असिस्टेंट कमरे से कुछ कुएं के अंदर वीडियोग्राफी की गई है, जिसके बाद कुएं के अंदर शिवलिंग मिलने की बात सामने आई। इससे पहले रविवार को पश्चिमी दीवार तहखाने वजू स्थल और नमाज स्थल का सर्वे किया गया था। टीम के एक सदस्य आरपी सिंह पर सर्वे की बातों को बाहर लीक करने का आरोप लगा है। आज भी आरपी सिंह को सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने से उन्हें रोक दिया गया है। वाराणसी की एक अदालत ने 12 मई को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त को पक्षपात के आरोप में हटाने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए 17 मई तक का यह काम पूरा करने का आदेश दिया है। जिला अदालत ने दो और वकीलों को भी नियुक्त किया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मस्जिद में सर्वेक्षण करने में अधिवक्ता आयुक्त की मदद करेंगे। स्थानीय अदालत ने फैसला महिलाओं के एक समूह की याचिका पर सुनाया था, जिन्होंने मस्जिद की बाहरी दीवार पर मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रोज पूजा करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी का विरोध किया था और अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्त पर पक्षपात का आरोप लगाया था। इस विरोध के बीच सर्वेक्षण का काम कुछ देर के लिए रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएम।